तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये डिस्क टाइप हॉर्न है और अभी दिखाऊंगा अभी किस कंपनी के हैं। इसको भी ओपन करने के लिए यहाँ पर इसकी ब्रैकेट है, इसको ओपन कर लेते हैं। 10 नंबर का ही सॉकेट लगेगा इसमें भी, अभी दिखा भी दूंगा सारी चीज़। इसके जो कनेक्टर्स हैं वो सबसे मतलब ट्रिकी चीज़ है यार, मतलब कॉमन कनेक्टर्स लगाने चाहिए। इन्होंने जो कनेक्टर्स इसमें लगाए हुए हैं, कनेक्टर की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। ये कनेक्टर्स जो हैं मेरे हिसाब से यूनिवर्सल टाइप कनेक्टर्स होने चाहिए। किसी भी कंपनी, जो भी कंपनी है OEM लगा रही है, तो कनेक्टर्स ये इस तरीके के टिपिकल कनेक्टर्स क्यों लगा रही है? ये जो कनेक्टर है ये है 2-पिन फ्यूल इंजेक्टर कनेक्टर। अब इसको हॉर्न में यूज़ करने का क्या मतलब है? बस इसका मतलब यही है कि लोग कोई और हॉर्न यूज़ ना कर पाएँ, हमेशा टाटा का हॉर्न ही यूज़ करें, कोई यूनिवर्सल हॉर्न यूज़ ना कर पाएँ। आप देखो इसमें जो इसकी ब्लेड्स हैं वो यूनिवर्सल टाइप नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अब हॉर्न दिखाता हूँ साफ़ करके। तो जैसा कि मैंने बोला था, ये मिंडा कंपनी का हॉर्न है और 12 वोल्ट का है। K90 हॉर्न का नाम है और यहाँ पे भी मिंडा लिखा हुआ है। LT लिखा है, मतलब ये लॉट ऑन हॉर्न है। तो इस तरीके का ये हॉर्न है, डिस्क टाइप हॉर्न है और ये इसकी ब्लेड्स हैं। तो अब जो ये कनेक्टर्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे? ये अभी मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से लाया। तो जैसा मैंने एक पोस्ट में डाल के भी बताया था, ये कनेक्टर्स है। अब आप देख लो सेम है या नहीं है, दोनों सेम है। ये देख लो दोनों बिल्कुल सेम है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको किसी भी अब वर्कशॉप वगैरह पे ढूंढना पड़ेगा या CNG वर्कशॉप से लेके आया हूँ मैं तो, और बहुत ही महंगा दिया है। इसकी एक्चुअल वैल्यू 10 या 20 रुपये है, जो कि मतलब अलीबाबा या फिर जितनी भी चाइनीज़ वेबसाइट है उनके ऊपर अवेलेबल है 20-20 रुपये में। पर मैंने वहाँ से क्यों नहीं लिया? क्यों? इसको डिलीवरी कराने की कॉस्ट ही 2000 रुपये है, तो ये 2500 रुपये का पड़ेगा और मेरे को यहाँ पे लोकल मार्केट में ये 200 रुपये का दिया। ये दोनों चीज़ था तो बहुत महंगा, 200 रुपये वर्थ है ही नहीं इसकी। इसकी वर्थ है 20 या 30 रुपये। पर क्या करूँ, वीडियो बनाने के लिए मेरे को लेके आना पड़ा दिखाने के लिए आप लोगों को। अब मैं अगर ये दिखाऊँ, इसका ये मेल वाला है, ये इजीली इसमें फ़िट हो जाएगा, देखना अभी। अब ये इसमें फ़िट हो गया अच्छे से, ये निकलेगा नहीं इससे। अब हमें ये वायर मिल गई, इस वायर की हेल्प से हम इसको फिट करेंगे। तो हम कोई वायर कट नहीं करेंगे। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है जिसमें वो कहते हैं कि यार कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, मुझे कुछ मिला नहीं, या यहाँ से थोड़ा सा वायर ही स्लिट करना है, स्लाइस करके वायर को, और यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई कुछ भी इसमें छेड़छाड़ हुई थोड़ी सी भी, तो आपकी वारंटी गई। मैं कुछ नहीं इसमें छेड़छाड़ करूँगा, मैं इसको प्लग करूँगा यहाँ पर, इसके आगे दूसरा वाला कनेक्टर लगाऊंगा। हुंडई के हॉर्न में भी उन्होंने ऐसा ही किया हुआ है, अपने तरीके के अपनी मनमानी वाले कनेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे दूसरा एडेप्टर यूज़ करूँगा और यहाँ पे बस टेप लगाऊंगा जो कि अपने कनेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से इंस्टॉल करूँगा और ये सेम इसी का ही है। मैं इसको क्यों ख़रीद के लाया? आपको सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पर एक इसकी माउंटिंग ब्रैकेट है, मैंने पूरा उसी से खोल लिया। दिखाता हूँ अभी कैसे। तो ये हॉर्न आप देख सकते हो, इस पे लिखा है HT, ये है हाई टोन हॉर्न, सेम मिंडा का ही है। और ये भी K90 टाइप है, देखो यहाँ पे भी K90 लिखा है। इसके भी कनेक्टर सेम वही है जो अपन ने देखे। तो जहाँ पे इनका हाई टोन लगा हुआ है, यहाँ पे इनका हाई टोन लगा था, वहाँ पे मैं भी हाई टोन लगाऊंगा। पर मेरे को थोड़ी सी ये दिक्कत है कि ये बहुत नीचे हॉर्न है और यहाँ कई बार हमारे एरिया में ना पानी काफ़ी भरा हुआ होता है, तो यहाँ पे वो पानी ना टच हो हॉर्न में, ये मेरे को दिक्कत है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अगर वहाँ पे ही इंस्टॉल कर पाऊँ। वैसे मैं छेड़ूंगा नहीं, जहाँ पे जो चीज़ लगी हुई है वहीं पे लगाने की कोशिश करूँगा और हाई टोन को हाई टोन की जगह ही लगाऊँगा। ये हाई टोन हॉर्न है, अब इसको निकाल लेते हैं और इनके कनेक्टर्स की बात देख लेते हैं। अब बात करते हैं इनके कनेक्टर्स की। तो हुंडई के हॉर्न के दो कनेक्टर्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। पहले एक कनेक्टर दिखाए थे, वो मैंने बोला था एक तरीके का जुगाड़ है, वो आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे और वो मैंने लगा के दिखाए थे, फिट हो जाते हैं। पर ये हैं इनके ओरिजिनल जो कनेक्टर्स बोलते हैं। ये मेरे को कितने में पड़ा? ये मेरे को पड़ा 100 रुपये का, 100-120 का पड़ा था। ये भी मैं मार्केट से ही लेके आया हूँ, ये मैं कश्मीरी गेट मार्केट से लेके आया था। ऑनलाइन ये भी आपको 20-30-50 रुपये में मिलते हैं, वही चाइनीज़ वेबसाइट पे, पर उनकी डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मैं इसको इसमें लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से पूरा इसके अंदर चले जाएंगे और अब मैं सिंपल बता देता हूँ मैं क्या कनेक्शन करूँगा। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला जो अपना मेल कनेक्टर है, ये जो इसका हुंडई के कनेक्टर है, इनसे कनेक्ट कर दिया।
अभी टेपिंग कर देंगे, पहले एक बार इनको चला के देख लेते हैं कि काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये हॉर्न सिर्फ हाई टोन हॉर्न को ही टेस्ट करेंगे, ये यहाँ प्लग कर दिया है और मैं हॉर्न बजा के देखता हूँ। अभी लो टोन हॉर्न कनेक्ट नहीं है, ये देखते हैं बज रहा है या नहीं बज रहा। तो हॉर्न अपना बज गया है, पर इसमें जो है आपको नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान देना है, वो आपको कनेक्ट करके पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव पॉजिटिव तो लिखा नहीं है कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव। तो आपको अगर नहीं बज रहा है हॉर्न तो घबराना नहीं है, इस वायर को हटा के यहाँ लगा देना, ब्लैक वायर को हटा के यहाँ लगा देना, तो ये बज जाएगा। ये जो अपना हाई टोन हॉर्न है कुछ इस तरीके की ब्रैकेट पर लगा हुआ है, तो सोच रहा हूँ कि ऐसे ही लगा देते हैं इसको भी, इसको हटा के और इसको कनेक्ट कर देते हैं सिंपली। तो अब ऐसा ही करेंगे, इस हॉर्न को रिमूव करेंगे और इस वाले हॉर्न की ब्रैकेट मैंने हटा दी है, इस हॉर्न को इसी की जगह लगा के और वैसे ही प्लग करेंगे। तो ये वाला हॉर्न हमने रिमूव कर दिया है, अब इसकी जगह है, ये सब ब्रैकेट वगैरह लगा के रखेंगे और ये यहाँ से गिरी है, एक वॉशर दूसरा वॉशर यहाँ था, इनको लगा के रखेंगे, क्योंकि ये वॉशर जो है ये वाइब्रेशन प्रिवेंट करते हैं। कभी भी देखना हॉर्न के जो ब्रैकेट होती है उसकी दोनों साइड ये ना वॉशर लगी होती है रबड़ की, ये क्यों लगी होती है, ये इसीलिए लगी होती है ताकि ये प्रिवेंट कर पाए वाइब्रेशन को। अब मैं इसके अंदर, ये तो काफ़ी मोटा हो गया है क्योंकि इसकी भी ब्रैकेट लगी, ये इसकी भी वॉशर लगी हुई है ये वाली, अब ये वाली वॉशर तो हटानी ही पड़ेगी, ये वाली वॉशर हटा देंगे और इसकी जगह इस तरीके से ऐसे लगाएंगे और अब इसको हम कस देंगे। अब इसको हम इस तरीके से वापस ऐसे लगा देंगे। अब इसकी इसका जो मुंह है वो भी नीचे की साइड रहेगा ताकि इसके अंदर कोई पानी ना जाए, बस इस बात का ध्यान तो हमें हमेशा रखना ही है कि ये वाली जो डायरेक्शन है ओपनिंग नीचे रहे, ऊपर रखोगे तो पानी आके गिर जाएगा कभी गाड़ी वॉश वगैरह करेंगे तो वो नहीं करना है। इस तरीके से अब लगा देंगे, इसकी टेपिंग वगैरह कर देता हूँ, टेपिंग प्रॉपर कर देंगे। ये हमने इसको अच्छे से कर दिया है पैक, और अगर हमें निकालने होंगे और वापस अपना लगाना होगा कंपनी स्टॉक हॉर्न तो इस तरीके से निकाल लेंगे, और अपना कभी मन करा फ्यूचर में कि हमें यही लगाना है तो हम इस तरीके से इसको लगाएंगे और ये गुड टू गो। दोबारा बजा के दिखा देता हूँ, ये भी बजेगा, देखो ये भी बज रहा है। तो बस लगाना है, प्लग एंड प्ले है, क्योंकि अब प्लग एंड प्ले क्यों है, क्योंकि हमने दोनों कनेक्टर्स प्रॉपर लगा दिए हैं, ये लगा दिया तो ये बजेगा, ये लगा दिया तो ये बजेगा, बस इतना ही है। तो अब इसको निकाल दिया और अपने यही वाले प्लग कर देता हूँ इसको। ये जो हमने यहाँ से निकाली थी ये वाली वायर, ये वापस इसी के अंदर इस तरीके से डाल देंगे, ये हमने यहाँ से ही निकाला था। पहले एक बार इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, इसका नट, इसका जो बोल्ट है ये वापस से मैंने इसका बोल्ट लगा दिया और आप देख रहे हो ये अपना हॉर्न अच्छे से कनेक्ट हो गया। इसको टाइट कर देता हूँ, ये इसमें जो है 13 नंबर का सॉकेट लगता है, 13 mm वाला, तो उसको लगा के इसको टाइट कर देते हैं। और ये जो वायर है ये यहाँ लगी हुई थी, इसको वापस से यहीं पे घुसेड़ देते हैं, ये यहाँ घुसा दी, ये वापस लगी, ये तो बम्पर में लगेगी। तो ये हो गया अपना बिल्कुल पक्का काम। तो मैं ऐसा करता हूँ, हाई टोन हॉर्न को ये हाई टोन हॉर्न के डब्बे में ही डाल के रख लेता हूँ, अगर फ्यूचर में कोई यूज़ हुआ तो काम आ जाएंगे। वॉशर वगैरह सब इसी के अंदर डाल दी। तो आप देख रहे हो ये वाला हॉर्न तो अपने बिल्कुल परफेक्ट फिट कर दिया है। अब बारी आती है अपने लो टोन हॉर्न की। लो टोन हॉर्न अपना यहाँ लगा हुआ था और ये आ गया अपने हुंडई का हॉर्न असेंबली लो पिच, इसको निकाल लेते हैं। अब मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि डिटेल में पता होनी चाहिए सब चीज़ें। इस वाले कनेक्टर की बात कर रहा था मैं, पहले मैंने आपको ये वाला कनेक्टर दिखाया था, ये तो एक तरीके का जुगाड़ है, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना वीडियो से और जाके दिखा देना कि ये वाला कनेक्टर चाहिए। बट ये सिर्फ जुगाड़ था ये जो मैंने पहले दिखाया था। इसके बाद
मैं दिखा रहा था ये वाले कनेक्टर्स में लेके आ गया था, ये हुंडई के जेन्युइन कनेक्टर्स हैं। अब ये अपना इस तरीके से बस प्लग कर दिया इसमें। अब इसको भी सिमिलरली अपना जो ये मेल कनेक्टर है इसके साथ इसके तार जोड़ दूंगा और जो अपनी ये कंपनी की वायरिंग आ रही है इसमें प्लग कर देंगे। बस इतना ही काम है। अभी हमने इसके वायर जोड़ लिए हैं तो ऑलरेडी हाई टोन तो कनेक्टेड है ही, अब लो टोन और कनेक्ट हो गया तो अब मेरे हिसाब से प्रॉपर आवाज़ आनी चाहिए। मैं एक बार आपको हॉर्न बजा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ इसको, एक बार पकड़ लेना। अब मैं हॉर्न बजा के दिखा देता हूँ आपको। तो आई अपनी पूरी क्रेटा के हॉर्न वाली आवाज़ ज़बरदस्त। अब इसको भी मैं वही करूँगा, यहाँ पे अपन को माउंट करना होता है। ये यहाँ पे माउंटेड था जो अपना हॉर्न था ओरिजिनल, यहाँ माउंटेड था इस ब्रैकेट के साथ इस तरीके से ये यहाँ लगा हुआ था। हम भी इसको इसी तरीके से लगाएंगे, बस मुँह इसका नीचे रखेंगे क्योंकि कभी भी इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, नीचे रहना चाहिए हमेशा मुँह। तो टेपिंग करके आपको दिखा देता हूँ कैसे माउंट कर रहा हूँ। तो इसमें भी सिमिलरली हम वही करेंगे, इसके जो इसका ये नट खोल लिया, वॉशर हटा के इस हॉर्न को हटा के सिर्फ इसकी जगह अपना ये हुंडई वाला, इसकी ब्रैकेट भी रिमूव कर लिए और ये वाला वॉशर हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह फिर बचती नहीं है नट कसने की। और इसको ऐसे लगाएंगे इस तरीके से, और इसका ये छोटा वाला स्क्रू है, इसका छोटा वाला ये नट है, ये लगेगा यहाँ, टाइट कस देंगे। ये कस दिया इसमें बिल्कुल टाइट और इसको लगा देंगे अब यहाँ पे। तो ये बहुत डिमांडेड वीडियो थी, बहुत लोग कह रहे थे आप अपनी नेक्स्ट हॉर्न में कब हॉर्न इंस्टॉल करोगे, कब इंस्टॉल करोगे, ये काफ़ी लोगों ने पूछा। बस अब मुझे एक डर है कि इसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी आगे आ चुकी है, तो क्या मुझे थोड़ा मोड़ना पड़ेगा ताकि बम्पर अच्छे से लग पाए, ये चीज़ मुझे एक बार देखनी पड़ेगी। ये हो गई वो वायर कनेक्ट, इसकी वायर को तो हम छेड़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देंगे वायर को। उसकी वायर भी प्रॉपर लग गई थी, उसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। वायर तो प्रॉपर हो गई है, हॉर्न बजा के देख लेते हैं दोबारा एक बार। मस्त बज रहे हैं हॉर्न, एकदम प्यारी आवाज़ आ रही है। ये जैसे हमने हाई टोन हॉर्न को उठा के रखा था, इसको भी उठा के रख देते हैं। लो टोन हॉर्न है ये ब्रैकेट हुंडई वाली, ये इनके नट और वॉशर्स। अब पार्ट आता है, हमने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया प्रॉपर, आप देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग वगैरह सब हो गई है। अब बात आती है ये जो बम्पर है इसको वापस कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखाऊँगा, एक एक पॉइंट वापस से नहीं बताऊँगा। ये वाला ये पार्ट था जो टिपिकल है, इसके अंदर डालने वाला, ये डाल दिया हमने। और इंडिकेटर भी लगा देता हूँ वापस, इसको डाल के क्लॉकवाइज घुमाना है और बस नीचे वाले स्क्रू को डालना है और वापस से ही उसी तरीके से हमने धीरे-धीरे इसको अंदर डाल देंगे लॉक्स में। ये सारे मैच कर दिए हमने लॉक और इस साइड भी धीरे-धीरे बिल्कुल आराम से लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नीचे से दिखाता हूँ, ये वाला बम्पर के अंदर वाला हिस्सा, उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है नीचे आएगा, ये वाला हिस्सा नीचे आएगा, इसको पीछे धकेल के इसके अंदर डालना है। ये इसके अंदर डाल दिया, ये लिया पहले करिए और फिर बम्पर नीचे वो करने के बाद अब इसको पीछे पुश करते हैं। बिल्कुल आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल जब तक सेट ना हो। तो यहाँ पे डर था अपन को कि ये आएगा नहीं आएगा, तो आप देख सकते हो बिल्कुल टच हो गया यहाँ पे, ये हॉर्न आ गया, वैसे बिल्कुल बम्पर के साथ टच हो रहा है, ये बिल्कुल टच हो रहा है यहाँ पर बम्पर के साथ ही, इस वाले हिस्से के साथ पर फिट हो गया यहाँ पे। अब देख सकते हो बम्पर हमने पूरा वापस लगा दिया, अब इतने स्क्रू नट और बोल्ट है वो कसेंगे। एक
और यहाँ पे जो हमने स्क्रू निकाला था वो स्क्रू वापस लगा देंगे फ्लिप साइड वाला। टायर को थोड़ा रोटेट कर लो, जिस साइड में उस साइड लगाएंगे तो टायर को स्ट्रेट कर देंगे। वो देखो पकड़ा रहा है बिल्कुल तसल्ली से, एक एक चीज और एक चीज और दिखा देता हूँ। ये जो सेंटर लाइनिंग है ना, ये सेंटर लाइनिंग ये इसके अंदर जाएगी, तो अगर वो अंदर निकाली तो ये बिल्कुल फिट नहीं होगा, एग्जैक्ट फिट नहीं आएगी। तो ये वाली जो सेंटर लाइनिंग है इसके अंदर अंदर जाती है थोड़ी थोड़ी, वो ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट मैच होकर फिट हो गया। ये दो नट लगा दिए, एक यहाँ लगा देता हूँ, वहाँ लगा देता हूँ। ये वॉशर है और ये नट लगा देते हैं। ये पांच स्क्रू है, इसको भी वापस लगा देता हूँ। सो गाइस फाइनली 2-2.5 घंटे लगे और हालत देख रहे हो हाथों की ऐसी हो गई है। मैं अब ग्लव्स लूँगा ताकि काम कर पाएँ हम, ग्लव्स ज़रूरी है, मैंने आज रियलाइज़ किया। और बम्पर हमने पूरा फिट कर दिया है, देख सकते हो आप। अब बंद करके गाड़ी बाहर निकालूंगा और आपको साउंड सुनाऊंगा कि साउंड कैसी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ यूज़फुल लगे और मेरी मेहनत जो आपने देखी इस वीडियो को बनाने के लिए वो पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलते हैं, आवाज़ सुनते हैं।